साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी द्वारा प्रगट किए खालसे के साजना दिवस को मनाने लिए खराब मौसम के बावजूद आप जी हाजिर होए हो। आओ प्यार सत्कार सहबास की फतेह प्रवान करनी गज के बुलाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। दास के मित्र ने कवि भाई मोहन सिंह जी मोहनाबादी उन्हें बड़ी सुंदर कविता लिखी है। वह कहते हैं जिस दिन भी हरिमंदर उत्ते फौजा चढ़ के आनगियां समझो खालिस्तान दे महली भेटा सीस चढ़ाउणगियां तोड़ चढ़ी गल वीवी सदी के योधे सिख महान दी संत भिंडरां वालिया ने नीह रखती खालिस्तान दी संत भिंडरां वालिया ने नीह रखती खालिस्तान दी। पूरी कविता तो मैं शायद ना साझी कर सका पर अगले बोल ने अपना घर अपना ही हुंदा अपना घर अपना ही हुंदा माण की चीज बगानी ते लख वारी मैं शीश झुकावां जोधियां दी कुरबानी ते अणख आण नाल जूझे जो परवाह ना कीती जान दी संत भिंडरां वालिया ने नी रखती खालिस्तान दी संत भिंडरां वालिया ने नी रखती खालिस्तान दी। अखीरलियां पंक्तियां दे विच कहिंदे ने खालिस्तान कोई हवा है नहीं सब का सांझा देश रहू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब का मजहबी भेस रहू मोमनाबादी शान ही लभनी जालम ते बेईमान दी संत भिंडरां वालिया ने नीह रखती खालिस्तान दी संत भिंडरां वालिया ने नीह रखती खालिस्तान दी। सीमित समय अंदर दो मैसेज दे के मैं समाप्ति करनी चाहांगा। पहली गल अज आप कि दिन मना रहे हैं खालसे का साजना दिवस जिम्मे संत कहते होंगे सर कि जो अपने घर आनंदपुर नहीं आवेंगे अपना घर कि प्राप्त होगा। सो आओ आप अमृत छक के सतगुरु के सच्चे सिख बनीए। दूसरी गल कई बार भावें साढ़े सामने सिख हिस्टरी पई है गुरबाणी पई है सतगुरु के वचन पाए हैं बावजूद इस गल के कि सतगुरु के सामने जुल्म हो रहा है तशद्दुद हो रहा है पर सतगुरु की दृष्टि वेखो कैसी है। सतगुरु कहते हैं बुरा नहीं सब भला ही है रे हार नहीं सब जीते ते जा कलगीधर पातशाह कहते निश्चय कर अपनी जीत करो अपना खालिस्तान के बाद अपना निश्चय डोलिया होया कि शरणापन नहीं मिलना पर दास का दृढ़ निश्चय ते मैनु यह यकीन है कि इन्हें मैं पूरा प्रतीत होंगे कि बहुता समा ही इसे सदी के बिच बिच ही खालसे का घर जरा वो प्रगट होएगा। खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद। अपने अंदर कई बार कमजोरियां आ जांदियां ने जे आप बाबा बोता सिंह ते बाबा गरजा सिंह नूं याद करिए सीधी हुकूमत का टक्कर नहीं सी लै रहे वह भी बच के अपना टाइम पास कर रहे थे पर जो उन्होंने बोली बची वह मैदान दे विच आ गए। आपां भी किसी ना किसी कारण करके अपने कामां विच जां होर तरीकों दे नाल बिजी हाँ लेकिन आपां नूं याद रखना चाहीदा कि अपनी कौम बच नहीं सकती जिन्ना चिर आप अपना घर नहीं बना उत्थे लैंदे। ते देखो कि हिंदुस्तान की सरकार कनेडा की सरकार नाल बिजनेस कर रही है ते हिंदुस्तान की सरकार ने कनेडा के डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया पर उत्थे एक मुख्यमंत्री का बोलना तो तुक नहीं सी बनती कि अगों वो कोई ऐसे शब्द डिफेंस मिनिस्टर की शान के खिलाफ कहे लेकिन उन्हां दी वफादार है कि उन्होंने पता कि खालिस्तान का सुपना जो जिंदा ते जिहड़े सिख जिवें गुरु नानक साहब ने कहा सी जिहड़े चंगे चंगे उजड़ जाओ ते जिहड़े बुरे नगर विच गए सन कहा सी वसदे रहो ते गुरु का खालसा पंथ जिहड़ा चंगा सतगुरु की बाणी के चलन वाला वह सारे संसार में फैल गया ते इन्हां बाहर दे सिखां ने खालिस्तान नूं बनाउणा है। ते आओ आपां उहदे विच जिस जिस रूप दे विच भी अपना योगदान दे सकदे बनाईए सरदार जगमीत सिंह वर्गे सरदार मनिंदर सिंह वर्गे ऐसे अपने बच्चों नूं बनाईए कि वह इस धरती दे विच जां अमेरिका की धरती दे विच खलो के ऐसा समां लै आउण कि सानूं किसे जंग की लोड़ ही ना पए लोग दुनिया दी सरकारां साडी कंट्री बना के देण के ए सिख सिख धर्म कर रहे हैं। इन्हें विचारों के नाल अपने विचार संकोच करता
ਸੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।